भजन संहिता अध्याय 18 भजन संहिता अध्याय 18 हे परमेश्वर मेरे बल मैं तुझसे प्रेम करता हूं यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूं वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूं और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा मैंने अपने परमेश्वर की दोहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दोहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी और पहाड़ों की नेवे कपित होकर हिल गई क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ था उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी जिससे कोयले दहक उठे और वह स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार छा गया और वह करूब पर सवार होकर उड़ा वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर का मंडप बनाया मेघों का अंधकार और आकाश की काली घटाएं उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट गई ओले और अंगारे तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई ओले और अंगारे उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तीतर बीतर किया वरन बिजलियां गिरा गिराकर उनको परास्त किया तब जल के नाले देख पड़े और जगत के नेवे प्रकट हुए यह तो हे यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंके से हुआ उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच लिया उसने मेरे बलवंत शत्रु से और उनसे जो मुझसे घृणा करते थे मुझसे छुड़ाया क्योंकि वे अधिक सामर्थी थे मेरी विपत्ति के दिन वे मुझ पर आ पड़े परंतु यहोवा मेरा आश्रय था और उसने मुझे निकालकर चौड़े स्थान में पहुंचाया उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया क्योंकि मैं यहोवा के मार्ग पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सन्मुख बने रहे और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा और मैं उसके सन्मुख सिद्ध बना रहा और अधर्म से अपने को बचाता रहा यहोवा परमेश्वर ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था दयावंत के साथ तू अपने को दयावंत दिखाता और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखाता है शुद्ध के साथ तू अपने आप को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है क्योंकि तू दीन लोगों को तो बचाता है परंतु घमंड भरी आंखों को नीची करता है इसलिए कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है मेरा यहोवा परमेश्वर मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं और अपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह को लांग जाता हूं परमेश्वर का मार्ग सच्चाई यहोवा का वचन ताया हुआ है वह अपने सब शरणागतों की ढाल है यहोवा को छोड़ क्या कोई परमेश्वर है हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है यह वही ईश्वर है जो सामर्थ्य में मेरी कटिबंध बांधता है और मेरे मार्ग को सिद्ध करता है वही मेरे पैरों को हरणियों के पैर के समान बनाता है और मुझे मेरे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है इसलिए मेरी बाहों से पीतल का धनुष झुक जाता है तूने मुझको अपनी बचाव की ढाल दी है मुझे तू अपने दाहिने हाथ से मुझे संभाले हुए है मुझे और तेरी नम्रता ने महत्व दिया है तूने मेरे पैरों के नीचे स्थान चौड़ा कर दिया और मेरे पैर नहीं फिसले मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा और जब तक उनका अंत न करूं तब तक न लौटूंगा मैंने उन्हें ऐसा बेंधूंगा कि वे उठ न सकेंगे वे मेरे पाँव के नीचे गिर पड़ेंगे क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरी कमर में शक्ति और पटुका बांधा है
और मेरे विरोधियों को मेरे सन्मुख नीचा कर दिया, और तूने मेरे शत्रुओं की पीठ मेरी ओर फेर दी, ताकि मैं उनको काट डालूं जो मुझसे द्वेष रखते हैं। उन्होंने दोहाई तो दी, परंतु उन्हें कोई भी बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा की भी दोहाई दी, परंतु उसने भी उनको उत्तर न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर पवन से उड़ाई हुई धूली के समान कर दिया। मैंने उनको गली कूचों की कीचड़ के समान निकाल फेंका। तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से भी छुड़ाया। तूने मुझे अन्य जातियों का प्रधान बनाया है। जिन लोगों को मैं जानता भी न था, वे मेरे अधीन होंगे। मेरा नाम सुनते ही वह मेरी आज्ञा का पालन करेंगे। परदेशी मेरे वश में हो जाएंगे, परदेशी मुरझा जाएंगे और अपने किलों में से थरथराते हुए निकलेंगे। यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला परमेश्वर, जिनके देश देश के लोगों को मेरे वश में कर दिया है और मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया है। तू मुझको मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी मनुष्य से बचाता है। इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा।